डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला मेथड है, इसके जो मैंने आपके क्वेश्चन करवाए हैं डिफरेंशिएशन करने के, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन उठाएंगे और उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखो, जैसे आपके मैथ के अंदर मैं कुछ बातें जो मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताई थी, मैं कुछ बातें वो लिख देता हूँ ताकि हम जो है एक्सरसाइज के अंदर जब उनको अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या बातें हैं। जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन किया था लॉगरिथम सी एक्स प्लस टी का, ठीक है। अगर हम डेल लॉगरिथम सी एक्स प्लस टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, लॉगरिथम ऑफ वन प्लस सी एच बाई सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और ये तो फर्स्ट, सेकंड हमने साइन का किया था, कोस का किया था, टेन का, ठीक है, ये किए थे हमने। तो मैं साइन का लिख देता हूँ अगर आपके पास है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन साइन सी एक्स प्लस डी का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, टू साइन सी एच बाई टू और साइन सी, यहाँ पर आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और प्लस सी एच प्लस वाई बाई टू, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर तो हमने ये जो है प्रूव करके दिखाए थे कि ये वैल्यू कैसी आ जाती है आपकी, ठीक है। अब हम लेके चलेंगे कोस की, तो कोस सी एक्स प्लस डी अगर आपको दे रखा है तो इसका क्या होगा फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन, तो इसका भी टू साइन सी एच बाई टू और कोस सी एक्स प्लस डी प्लस सी एच प्लस वाई बाई टू, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखो ये तो चलो तीन बातें लिख देंगे, तो इनमें से हम जो है स्टेटमेंट जो आपको दे रखी है इनको जो है उसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमें डेल की पावर एन और साइन स्क्वायर एक्स इसका जो है हमें फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है और nth डेरिवेटिव निकालना है, nth फॉरवर्ड डेरिवेटिव निकालना है, तो देखो अगर साइन का या कोस का nth है हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि साइन स्क्वायर का तो हमें पता नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर की हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा जो भी दे रखा होता है वन माइनस कोस टू एक्स टू थीटा बाई टू, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर की भी होती है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू, यानी कि इसकी जगह पर अगर आपके पास कोस स्क्वायर आ जाए तो आप उसका भी जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो एन nth डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इसका भी nth डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ यहाँ पर कि डेल कोस की पावर, डेल की पावर एन और कोस सी एक्स प्लस बी अगर आपको दे रखा है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 साइन सी एच बाई टू इसकी पावर n और कोस सी एक्स प्लस डी प्लस एन इंटू सी एच प्लस वाई बाई टू, ठीक है। तो ये इसका फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन है, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर इनको प्रूफ करके दिखाया था कि nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद हम nth डेरिवेटिव भी पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 माइनस कोस 2x बाई टू, ठीक है, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बाई टू माइनस का कोस 2x बाई टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 बाई टू और डेल की पावर n, ठीक है, माइनस nth डेरिवेटिव हम इसका भी निकालेंगे, तो 1 बाई टू को तो मैं कॉन्स्टेंट है बाद लिख सकता हूँ, तो कोस 2x बच जाएगा आपके पास। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर तो x ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का वन बाई टू आपके पास है, इस चीज रहेगा। यहाँ पर देखो, इसका अगर मैं nth डेरिवेटिव, nth फॉरवर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा तो सी एक्स प्लस डी की जगह पर, यानी कि सी एक्स प्लस डी की जगह पर आपके पास दे रखा है टू एक्स और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सी की वैल्यू आपके पास टू है, डी की वैल्यू आपके पास जीरो है, तो क्या करेंगे इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू साइन सी एच बाई टू इसकी पावर एन हो जाएगी और कोस
सी एक्स एक्स सी की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे बाद में प्लस डी है और एन इंटू एन पाई सॉरी सी एच प्लस पाई बाई टू ठीक है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है, सी की वैल्यू आपके पास है, डी की वैल्यू आपके पास है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे बस इतना काम करना अभी। तो सी की जगह पर तो मैं टू लिख देता हूँ ठीक है, और सी की जगह पर जहाँ भी सी दिखाई दे रहा है वहाँ पर टू लिख देंगे, और डी की जगह पर हमें जीरो लिखना है तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस का वन बाई टू इंटू टू साइन, साइन की पावर हम एन भी लिख सकते हैं, टू की भी एन और साइन की भी एन ठीक है, साइन की एन एच हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और कोस ये आ जाएगा टू एक्स प्लस ये जीरो हो जाएगा, तो एन इंटू टू एच प्लस पाई बाई टू आ जाएगा ठीक है। अब 2 की 1 पावर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर माइनस का 1 हो जाएगी, और 2 की पावर हमारे पास n पहले ही है तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई करनी है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो माइनस 2 की पावर n माइनस 1 और साइन n h और कोस 2x प्लस n इंटू 2h प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा आपके पास ठीक है, क्लियर है। बस करना क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर है या कोस स्क्वायर है तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, यानी कि एक अकेला कोस में या अकेला साइन में बनाएंगे, और अकेला कोस या अकेला साइन में आने के बाद फिर जो है हम उसका डिफरेंशिएशन है nth डेरिवेटिव भी हमें पता है कैसे होगा, पिछला लेक्चर देख लेना उसमें से आपको पता चल जाएगा ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो पिछला लेक्चर है उसको देख लेना, nth डेरिवेटिव आपको पता चल जाएगा, और फिर ये वैल्यू जो है केवल इसके अंदर जो है पुट करके देख लेंगे हम ठीक है। याद भी रह जाएगा आपको कि कोस का डेरिवेटिव या साइन का डेरिवेटिव क्या होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेल एक्स लॉग एक्स, इसका हमें फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि डेल अगर एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डेल जी ऑफ एक्स ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स और डेल एफ ऑफ एक्स, जैसे हम यू इंटू वी लगाते थे तो उसी तरह यू एच डी वी का फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन प्लस वी एच डी यू का फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन। तो अब देखो अभी अगर इसकी वैल्यू इनकी वैल्यू मिल जाए तो देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि दो फंक्शन जो है मल्टीप्लाई के अंदर है। तो मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ से एक्स है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेंगे हम हमारे पास लॉग एक्स है ठीक है। हमें करना क्या है, डेल जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेल जी एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, यानी कि डेल जी एक्स की वैल्यू आपके पास लॉग है तो मैं यहाँ पर, या फिर इसको तो आप एस डी लिखो, तो डेल लॉग एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डेल लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो जैसे हमने वो मेथड अप्लाई किया था तो कैसे किया था तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो इसके अंदर फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है कि डेल एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास दे रखा है वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है, इसी का यूज करके जो हमने इनको शो करके दिखाया था। अब देखो इसी का यूज करेंगे इसके अंदर भी, तो जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या करना है हमें, x प्लस h लिखना है और माइनस में फंक्शन लिख देना है। तो फंक्शन के अंदर तो लॉगरिथम x प्लस h हो जाएगा और माइनस फंक्शन एच डी लिख देंगे ठीक है। अब आपको पता है कि लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम n आपका अगर आपको दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉगरिथम ऑफ m बाई n ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम n दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथम m बाई n, तो m ये था n ये था तो डिवाइड में लिख सकते हैं। अब अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो लॉगरिथम x इसके डिवाइड में इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस एच बाई एक्स आ जाएगा ठीक है। तो ये वैल्यू तो किसकी आ जाएगी, यहाँ पर पुट करने के लिए आ जाएगी। फिर हमें डेल एफ ऑफ एक्स भी निकालना है तो मैं डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो डेल तो हमारे पास है जिस फंक्शन आपके पास है एक्स, तो अब क्या करना है इसी को अप्लाई करेंगे। पहले तो एक्स के अंदर एक्स प्लस एच पुट कर देंगे, माइनस भी फंक्शन एच डी लिख देंगे तो इससे एक आंसर हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एच आ जाएगी। अब वापस इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स ठीक है, तो एक्स, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली है ये, तो लॉगरिथम ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है ये, तो इसको हम एच डी लिख देंगे लॉगरिथम ऑफ एक्स, और डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई आपके पास एच, तो एच इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये जो है इसका फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग सोल्व करेंगे, एक साथ भी इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। क्या है, जैसे मैं डायरेक्ट इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एज इज, और डेरिवेटिव करना हमें लॉगरिथम एक्स का प्लस अब की बार लॉगरिथम एक्स एज इज, और डेरिवेटिव करना हमें एक्स का, ठीक है। अब x तो आपके पास एज इज रहेगा, इसको इसके अंदर अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो लॉगरिथम ऑफ x प्लस एच माइनस लॉगरिथम ऑफ x आ जाएगा, प्लस अब की बार लॉगरिथम x तो आपके पास एज इज, इसका फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉगरिथम m माइनस लॉगरिथम n, तो x ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x प्लस एच बाई एक्स प्लस लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा तो h बच जाएगा आपके पास, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स आ जाएगा, और प्लस h लॉगरिथम ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लॉगरिथम का जो मैंने आपको लिख रखा है कि फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते हैं तो हम सी एक्स प्लस डी की जगह पर जो जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या दे रखा है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेल एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स ये दे रखा है, तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अलग अलग फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल साइन एक्स, ठीक है। अब इसका फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स लिख देंगे ना, तो x की जगह पर हम x प्लस एच लिख लेंगे एक बार, तो x प्लस एच इसकी पावर 2 हो जाएगी माइनस एफ ऑफ एक्स एच डी प्लस, यहाँ पर भी अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप सोल्व करना चाहो तो देखो सोल्व कैसे करेंगे इसी का यूज करके, तो हम क्या करेंगे साइन एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिटी ऊपर कर देंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस का 2ab और माइनस का एक्स स्क्वेयर एच डी, इसके अंदर देखो अगर मैं इसको सी मान लेता हूँ इसको डी मान लेता हूँ तो साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी क्या होती है, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने दो चार आइडेंटिटी होती है इसकी, तो चारों की चारों बताई थी, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको इसी आइडेंटिटी यानी कि साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, साइन सी प्लस साइन डी अगर आपको दे रखा हो तो हम क्या लिखेंगे उसको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर मान लीजिए माइनस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा, अगर मान लीजिए कोस होता कोस सी प्लस कोस डी हो जाता तो इसको भी हम 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 आ जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो जाती तो फिर हो जाता ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2 आ जाता आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास साइन सी माइनस साइन डी, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो 2 कोस सी प्लस डी तो x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, और साइन सी माइनस डी तो साइन सी आपके पास ये है तो x प्लस एच माइनस का x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब देखो x और x के आपके पास क्या हो जाएगा x एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा तो एच स्क्र प्लस का 2 एक्स एच और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 कोस और ये x और x तो 2x हो जाएगा प्लस h बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इसे कैंसिल हो जाएगा तो h बाई 2 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये एच स्क्र प्लस का 2 एक्स एच है आपके पास एच डी प्लस 2 और ये हो जाएगा कोस, यहाँ पर अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूंगा तो x प्लस एच बाई 2 आ जाएगा और साइन h बाई 2 आपके पास एच डी, लेकिन इसको भी हमें साइन के अंदर लेके आना है क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कोस को भी साइन के अंदर लेके आएंगे, तो साइन के अंदर लेके आएंगे तो एच स्क्वायर प्लस 2 एक्स एच और प्लस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा जो है कोस थीटा के इक्वल होगा,
तो साइन 90 प्लस थीटा जो है कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम एच चीज रखेंगे साइन एच बाई टू, तो एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच, तो आपके पास एच डीज प्लस, यहाँ पर देखो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा टू तो एच डीज, और ये भी एच डीज साइन एच बाई टू। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 है, 90 को मैं पाई बाई टू लिख सकता हूँ, तो ये पाई बाई टू हो जाएगा। तो x तो आपके पास एच डीज प्लस, इसको और इसको ऐड करेंगे तो h प्लस पाई बाई टू हो जाएगा। क्यों करके दिखाया मैंने ये, यहाँ तक भी छोड़ सकते थे हम क्वेश्चन को, लेकिन अगर हम साइन की डायरेक्ट वैल्यू पुट करें इसके अंदर तो 2 साइन सी एच बाई टू। अब c की वैल्यू आपके पास क्या है इसके अंदर 1 है और d की वैल्यू 0 है, तो c की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो h बाई टू बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और साइन यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो x आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो h और प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये आपके जो है इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसी के बेस के ऊपर, यानी कि अगर हम डायरेक्ट पुट करना चाहें तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ये तो पता ही है कि कैसे जो है इसका फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके ऊपर देखो, अगर x के अंदर स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे ये दे रखे आपको कि 2 डेल की पावर 3 और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स और 1 माइनस 2 एक्स और 1 माइनस का 3 एक्स, ठीक है। ये दे रखे इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बिंग यूनिटी, यानी कि इसका जो इंटरवल है इसमें h की वैल्यू हम 1 लेके चलेंगे लास्ट में, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आपको ये पता चल गया होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन आ जाता है तो आप जो है इनका यूज करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल की पावर 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की करेंगे तो 1 माइनस 2x, और माइनस x की करेंगे तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 2x क्लियर हो जाएगा और 1 माइनस 3x है जी। अब ये तो चलता रहेगा, हमारे पास ये हो जाएगा 1 और ये प्लस का 2x भी लिख सकते हो 2x क्लियर, और ये माइनस का 3x और प्लस का 1 और 1 माइनस 3x आ जाएगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डेल की पावर 3, तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 6x की पावर 3 आ जाएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 की करेंगे तो एच डीज आ जाएगा प्लस 1 और माइनस का 3x। अब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, तो ये और ये तो 11 हो जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6x की पावर 3, और ये माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का 1। अब अंदर अलग अलग करेंगे तो 11 तो कॉन्स्टेंट है, एच डीज रहेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना है 3 बार एक्स स्क्वायर का माइनस, यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करना है हमें, 6 तो कॉन्स्टेंट है एच डीज रहेगा, x की पावर 3 का माइनस, यहाँ पर 6 कॉन्स्टेंट है और डिफरेंशिएशन x का करेंगे 3 टाइम, प्लस डिफरेंशिएशन हमें 3 टाइम 1 का करना है। तो देखो अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन आपके पास जाता है और जो आपके पास स्टेटमेंट है उसकी पावर कम है तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएशन करना है तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये भी आपका 0 हो जाएगा, इसके अंदर तो x ही नहीं है तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 बच गया हमारे पास ये, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि माइनस का 6 और x की पावर 3। अब इसके अंदर मैं मान लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो डेल x की पावर 3 निकालूंगा तो क्या आएगा आपके पास, x प्लस एच, इसको अप्लाई करेंगे x प्लस एच की पावर 3 माइनस x की पावर 3। अब इसकी आइडेंटिटी के ऊपर करेंगे a प्लस बी और का की पावर 3 है तो a की 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस 3 ए बी और a प्लस बी और माइनस x की पावर 3, इससे जो ये कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर 3 प्लस 3 x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर h और प्लस का x 3x एच आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक बार डेरिवेटिव कर दिया, अब एक बार और फिर डेरिवेटिव कर देंगे तो डेल स्क्वायर आ जाएगा ना आपके पास, तो मैं एक बार और डेरिवेटिव कर देता हूँ इसका, अंदर लेके जाएंगे तो एच की 3 का अलग से प्लस 3x तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का अलग से फिर प्लस 3x कॉन्स्टेंट है और डिफरेंशिएशन हमें x का करना है, इसका करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा कॉन्स्टेंट है, इसका करेंगे तो 3x तो आपके पास है चीज रहेगा
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो x प्लस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो आपके पास है चीज, इसके अंदर भी x प्लस एच और माइनस का x हो जाएगा, तो 3x तो आपके पास है चीज रहेगा, इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर। अब इसको भी देखो, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 3 प्लस का ये हो जाएगा 6x की पावर 2 और प्लस का 3x की पावर 2 और अब ये फिर 6 हो जाएगा, यानी कि 6x की पावर सॉरी यहां पर तो 3 है यहां पर 2 है तो ये हमारे पास एच डी रहेगा। अब ये तो हमने दो बार डेरिवेटिव कर दिया, अब एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तीन बार डेरिवेटिव निकालना था ना हमें, तो इसलिए हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर लेके जाएंगे तो 3x की पावर 3 इसका भी हमें डिफरेंशिएशन प्लस 6x स्क्वायर एच डी और x का भी डिफरेंशिएशन और इसका भी, ठीक है। तो अब देखो ये तो कांस्टेंट है तो इसका भी जीरो हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है इसका भी जीरो हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6x की पावर 2 और अंदर इसको लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस का x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 6x की पावर 3 आ जाएगा आपके पास। तो देखो माइनस का 6 तो एच डी, इसकी जगह पर आपके पास आया है 6x की पावर 3 यानी कि 36x की पावर 3 आ जाएगा। लेकिन अब की बार मोर क्या रखा है कि इसके अंदर बोल रखा है कि आपके जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वो क्या होगा, यूनिटी होगा, यानी कि एच की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो माइनस का 36 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, पता चल गया कैसे हम जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी टाइप का, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास है, मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ फिर जो है इसका मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और फिर ये दे रखे आपको 2 प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस का 2 की पावर भी 2 दे रखी है आपको, वही डिफरेंशिएशन जो होगा वो यूनिटी लेके चला है कि लास्ट में हम h की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab करेंगे तो 4 आ जाएगा और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ भी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab करेंगे तो 4x आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4x स्क्वायर देन स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है हम बार भी देख सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस अब की बार इसकी और इसकी करेंगे तो डेल स्क्वायर 16 आ जाएगा, इसकी और इसकी करेंगे तो ये भी हमारे पास 16 डेल स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस 1 की करेंगे तो एच डी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x, ठीक है, इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4 डेल और एक्स स्क्वायर प्लस का ये डेल एक्स 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास इसके इसके साथ करेंगे तो प्लस का 16 डेल एक्स। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, देखो जिस जिसका डिफरेंशिएशन इसको मैं इस चीज रख लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये चलो इसको ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरीवेटिव जीरो। अच्छा ये आपको दो बार डेरीवेटिव करना है लेकिन एक्स की पावर 1 है तो इसका भी डेरीवेटिव हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है, बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x और यहाँ पर भी इसको मैं लिख लेता हूँ, बाद में इसका डेरीवेटिव कर लेंगे, प्लस इसका भी जीरो हो जाएगा और इसको भी लिख लेते हैं हम, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो इनको सोल्व करने के लिए देखो मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो इसका फर्स्ट डेरीवेटिव निकाल लेता हूँ, मैं अलग से सोल्व करके दिखा देता हूँ कि डेल एक्स स्क्वायर का हमें दो बार डेरीवेटिव करना है, तो मैं फर्स्ट डेरीवेटिव निकाल लेता हूँ पहले, तो x प्लस एच की पावर 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2x एच और माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x एच। अब ये तो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, एक बार और करेंगे तो डेल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना, तो अंदर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x कॉन्स्टेंट होगा और डेल x ये तो जीरो जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x तो कॉन्स्टेंट है, इसको हम x प्लस एच माइनस x लिख सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, तो 4 को एच डी जिसकी जगह पर 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर एच डी प्लस का 4 एच डी प्लस का 4x एच डी
प्लस अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर प्लस का 2xh एक बार करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमने क्या आता प्लस, अब इसका करेंगे सॉरी यहाँ पर एच भी मल्टीप्लाई के अंदर है, फोर भी मल्टीप्लाई के अंदर है तो फोर को हम एच डीज लिखेंगे 16hd, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास x प्लस एच माइनस एक्स 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 कैंसिल तो h बच जाएगा तो h आ जाएगा आपके पास। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये जो हो जाएगा 8x की पावर 2 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h की पावर 2 और प्लस का 8xh और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास 16h। अब देखो जहाँ पर एच स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एच दिखाई दे रहा है वहाँ पर वन पुट कर देंगे तो यहाँ पर वन पुट करेंगे तो ये एट हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच फोर और फोर एक्स प्लस यहाँ पर फोर हो जाएगा प्लस ये एट एक्स हो जाएगा और प्लस का 16 तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और 20 और 32, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली देख लेते हैं पहले तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाली हो जाएगी आपके पास प्लस का 12x और ये प्लस का 32 आ जाएगा। ठीक है तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है पता चल गया अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट में बता सकते हो। ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।